नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए 6 किचन टिप्स लेके आई हूं, जो आपके किचन में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई हरी सब्जी बनाते हैं, जैसे पालक कोफ्ता हुआ, पालक पनीर हुआ, उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर चेंज ना हो तो जब हम सब्जी बनाएं तब उसके अंदर 1 चम्मच चीनी की डाल दें और उसे अच्छे से मिक्स कर दें। इससे हमारी सब्जी का कलर जो है वो हरा ही बना रहेगा और ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। जब भी हम चाकू या छुरी को यूज़ करते हैं, वो उनकी धार जो है वो ख़त्म हो जाती है। उनकी धार बरकरार रखने के लिए हम एक कप लेंगे, उसको उल्टा करके उस पर इस तरह से घिस लेंगे। इससे हमारे चाकू की धार जो है वो बन जाएगी। आप कोई भी चाकू या कोई भी छुरी ले सकते हैं और इस तरह से उसकी धार आप घर में ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी सब्जी में जो है वो नमक तेज हो जाता है, तो हम उसे किस तरह से कम करें? आप 2 से 3 चम्मच बेसन ले, उसे पैन के अंदर अच्छे से भून ले, फिर आप अपनी सब्जी के अंदर उसे मिला दें। इससे नमक कम हो जाएगा, पर ध्यान रहे बेसन को भून कर ही आप सब्जी के अंदर यूज़ करें। जब भी हम कभी सेब ले आते हैं और उसको काटते हैं तो वो काला पड़ जाता है। सेब हमारा काला ना पड़े उसके लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे एक बाउल के अंदर और आधा नींबू निचोड़ देंगे। देखिए, इस तरह से आधा नींबू निचोड़ देंगे और सेब की स्लाइस हम पानी के अंदर काट लेंगे। और आप नींबू स्लाइस के ऊपर भी लगा सकते हैं, फिर भी स्लाइस आप प्लेट में रख दें तो आपका सेब जो है वो काला नहीं पड़ेगा और इसी तरह ताज़ा बना रहेगा। देखिए, सभी सेब की स्लाइस मैंने काट लिए। अब आप फ्रीज में रख दें, जब आपको खाना हो तो इसको खा सकते हैं, ये काला नहीं पड़ेगा। जब कभी भी हम धनिया पाउडर जो है वो ज़्यादा ले आते हैं, उसके अंदर सफ़ेद से कीड़े पड़ जाते हैं। धनिया को सालों साल चलाने के लिए और इसके अंदर कीड़े ना पड़े, उसके लिए हम 1 चम्मच नमक धनिया पाउडर के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, धनिया हमारा सालों साल चलेगा और इसके अंदर जो है वो कीड़े नहीं पड़ेंगे। फ्रेंड, जब भी हम कच्चा प्याज खाते हैं हमारे मुंह के अंदर बदबू आती है। कच्चा प्याज खाने के बाद हमारे मुंह से अंदर बदबू ना आए उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम गुड़ लेंगे और गुड़ को तोड़ लेंगे। गुड़ की छोटी सी डली आप खा लीजिए, चाहे आप मूली खाएं चाहे प्याज खाएं, थोड़ा सा गुड़ खा लेंगे तो उससे मुँह के अंदर बदबू भी नहीं आएगी और आपका खाना जो है वो अच्छे से पच जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज के किचन टिप्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आज के मेरे किचन टिप्स आपको कैसे लगे। आप अपनी किचन में इसे ज़रूर फॉलो करें। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। तब तक लिए आप सभी को अन्नपूर्णा रसोई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने